हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड्स, वो है एनसीआर नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड जो है उसके द्वारा राइटिंग टेस्ट लिया गया था टेक्नीशियन ऑफ पैथोलॉजिकल। जी हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है जो दो सेक्शन में बना है। एक सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 to 70 जिसमें सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 1 से 30 जो पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें जीके का है। चलिए हम 70 क्वेश्चंस आज देखेंगे और जीके को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो आपको पीडीएफ के लिए सबसे पहले जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, तो आपको मेरा वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। इस वेबसाइट पे आप पहुंचेंगे फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे कुछ दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे यहाँ सारे पीडीएफ्स के लिंक दिए हुए हैं। तो अगर आप नॉर्थन कॉलफिन लिमिटेड का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक हियर करेंगे, और इसके लिए जो पासवर्ड होगा फ्रेंड्स, वो पासवर्ड को आप पूरे वीडियो देखेंगे तभी आपको इस पासवर्ड जो है इसमें डिजिटल लेटर पे पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया गया। इसका पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर बीच बीच में सभी डिजिट मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करना है तो कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे, क्लिक हियर के ऑप्शन पे। इसके बाद आपको यहाँ एक पीडीएफ का फाइल ओपन हो जाएगा, इसको आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए प्रोटेक्ट पासवर्ड है, तो पासवर्ड डालने के लिए आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। इसके बाद ये आपको ओपन हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं 14 पेज का है। और फ्रेंड्स, वीडियो को मैं काफ़ी स्पीड बनाऊंगा ताकि आपको बोर ना लगे, और सारे जो डिटेल है आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यहां से डाउनलोड करके इसका पासवर्ड पूरा वीडियो देख के कलेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन? फैट सोल्यूबल विटामिन निम्न में से कौन सा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होता है ए, डी, ई और के जो होता है वह फैट सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट है, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन के किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट, विटामिन B12 इज आल्सो नॉन एज, विटामिन B12 किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन जो B12 होता है वह कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज, मस्तिष्क की बुनियादी कार्यात्मक इकाई कौन सा होते हैं? तो वह होता है न्यूरॉन। नेक्स्ट है, विल्सन डिजीज ऑकर ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ, तो विल्सन डिजीज किसके अक्यूमुलेशन, तो ये करेक्ट आंसर है कॉपर। नेक्स्ट है, आयरन इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन। ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स, कौन से मिनरल से रिलेटेड होता है ऑस्टियोपोरोसिस? तो इसमें हड्डी का टूटना होता है, तो वो होता है कैल्शियम से रिलेटेड होता है। विच इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वह होता है हमारा स्किन, सबसे बड़ा होता है। सेल काउंटर इज यूज फॉर, सेल काउंटर किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, ऑल, सभी के लिए सेल काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है। विच अमंग फॉलोइंग इज न्यूक्लियर स्टेन, योसिन, हिमेटोजैलिन या फिर बॉथ या नॉन? एंड जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी, हिमेटोजैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टेन यूज फॉर कैल्शियम इज, कैल्शियम के लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? एंड जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वॉन कोसा। नेक्स्ट, विच इज फंगल स्टेन, फंगल स्टेन कौन सा होता है? तो फंगल जो स्टेन होता है वह स्टेन नंबर सी, बॉथ, GMS एंड PAS। सब स्टेन्स दैट रेडली इवोपरेट आर कॉल्ड, पदार्थ जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए, वोलेटाइल सबस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है? तो वह है आंसर नंबर डी, मरासमस। मरासमस क्योंकि यह माल न्यूट्रिशन से होने वाले डिजीज होते हैं, इसलिए इसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हो या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो या फिर डिक्रीज HB हो, तो इन सभी से हार्ट अटैक आ सकते हैं। ESR स्टैंड फॉर, ESR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट है, वैक्यूटेनर यूज फॉर, वैक्यूटेनर किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर है बी, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज, एंड करेक्ट आंसर नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइट्स।
नेक्स्ट, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एमंग फॉलोइंग, निम्न में से कैल्शियम के जो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं उनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ ई एस आर स्टैंड, तो ई एस आर के लिए कौन सा विधि नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इलेक्ट्रिकल मेथड से ई एस आर जाँच नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलेशन फैक्टर यूज फॉर ए ए सी इन न्यूबोर्न चैम्बर, एंड करेक्ट आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 20, आंसर नंबर बी 1:20। नेक्स्ट, सी ए एस ए स्टैंड फॉर, सी एस ए पूरा का, सी ए एस ए का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका जो नाम होगा कंप्यूटर असिस्टेंट सीमेन एनालिसिस, आंसर नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का ब्रांच नहीं होता है, एंड जो करेक्ट आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, एफएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है फायर नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, आंसर नंबर ए। ईडीटीए इज यूज फॉर, ईडीटीए किसके लिए यूज कर सकते हैं? तो इन सभी के लिए, सीबीसी, पर्पल वैक्यूटेनर, HbA1c एस्टिमेशन, इन सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कलर कोड, येलो क्लॉट एक्टिवेटर, ग्रीन सीबीसी, ग्रे फ्लोराइड, एंड ऑप्शन नंबर डी रेड प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आप भी नीचे कमेंट्स मेरे को कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर क्या होगा, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा नॉलेज होगा और नॉलेज और भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स, जो हमारा ग्रीन कलर होता है वह सीबीसी के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इवेल्यूशन कैरिड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लेवल जेनिंग चार्ट्स, लेवल जेनिंग चार्ट्स। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री रिएजेंट रिक्वायर टेम्परेचर रेंज, तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। पेप स्टेन इज नॉट यूज फॉर, पेप स्टेन को यूज नहीं किया जाता है निम्न में से किस में? तो यह होता है स्टडी रूटीन हेमाटोलॉजी स्लाइड्स। इसके अलावा इन सभी में कैंसर्स के लिए, स्पेशली इसके लिए सर्वाइकल कैंसर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ, कैल्शियम किसके एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एपीटीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हिस्टोकाइनेट मशीन यूज फॉर, हिस्टोकाइनेट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो हिस्टोकाइनेट जो होता है वह है प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी ब्लॉक्स के लिए किया जाता है। विच इज नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड, ग्लास, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड, एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए ग्लास। 100% कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट जो किया जाता है वह कौन सा होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ब्लड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्राइटेरिया ऑफ स्पूटम स्पेयर एग्जामिनेशन इज, एंड करेक्ट आंसर नंबर ए, एटलीस्ट 1 सिस्ट माइक्रो मैक्रो फेजेस इन स्पूटम। नेक्स्ट है सी एल आई ए स्टैंड फॉर, सी एल आई का अर्थ क्या होता है? एंड करेक्ट आंसर नंबर ए, क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजा इज, एलिजा क्या होता है? तो एलिजा इज मेथड ऑफ टारगेट एंटीजन या एंटीबॉडी इन सैंपल यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी। एंड जो फ्रेंड्स, एलाइजा का जो फुल फॉर्म होता है वह यहाँ दिया हुआ है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये इसका मतलब यहाँ पूछा नहीं गया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, क्योंकि यह एंटीजन एंटीबॉडी पे आधारित जो नमूने होते हैं उसमें एंटीजन एंटीबॉडी को मतलब जो उसकी उपस्थिति का पता करने के लिए विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी पे होते हैं, पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एनीमिया इज कॉमनली सीन इन,
एनीमिया किसमें देखा जाता है? तो प्रेग्नेंट जो लेडी होता है उसमें कॉमन देखा जाता है। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंट टू होल्ड वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिमेन इन सेम स्टेट इज नॉन एज। एंड करेक्ट आंसर नंबर ए, हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट, एनीमिया इज ड्यू टू रिडक्शन इन। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो यह आरबीसी के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्रिवेंट प्लेटलेट क्लम्पिंग? प्लेटलेट क्लम्पिंग की अकड़न को कैसे रोकें? तो टैकिंग सैंपल डायरेक्ट, सीधे नमूना लेना। ऑप्शन नंबर सेकेंड है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्लड विथ ईडीटीए। थर्ड है प्रोसेस सैंपल डायरेक्टली एट 228 डिग्री सेल्सियस। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड करेक्ट आंसर नंबर है बी, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्लड विथ ईडीटीए। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ इम्प्रूव नेवर चैम्बर इज। जो इम्प्रूव न्यूबोर चैम्बर होते हैं उसकी डेप्थ कितनी होती है? तो इसकी जो डेप्थ होती है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर नंबर बी, 2 mm। फ्रुक्टोज टेस्ट इन सीमेन एलाइसिस डन बाई। एंड करेक्ट आंसर नंबर ए, रिसचोचिनॉल सॉल्यूशन। सीमेन एनालिसिस शुड बी डन विथ इन। सीमेन एनालिसिस कितने घंटे के अंदर या कितने देर में एनालिसिस कंप्लीट करना चाहिए? 1 घंटे, 30 मिनट, 2 घंटे, या इनमें से कोई नहीं? एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड, वो आंसर नंबर ए, 1 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। सीएसएफ सैंपल शुड बी टेकन इन 3 बॉटल्स एंड बॉटल्स मस्ट बी सेंड टू लैब इन सिक्वेंस एस। किस सिक्वेंस में लैब में भेजना चाहिए? एंड जो करेक्ट आंसर नंबर ए, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड पैथोलॉजी एंड फोर्थ फॉर स्पेशल स्टडी। नेक्स्ट, नॉर्मोब्लास्ट सीन इन अप टू। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी, 6 मंथ ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 45, इंटरनल डायमीटर ऑफ विंट्रोप ट्यूब इज। विंट्रोप ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर होता है वो कितना होता है? तो 2.5 mm होते हैं। स्पेशल स्टेन यूज फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई ट्यूबरकुलोसिस इज। इसके लिए कौन सा होता है? तो होता है जेडन या जिल नेंसन स्टेन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, क्रायोस्टेट यूज इन। करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी, इन इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस एंड ऑप्शन नंबर बी, फ्रोजन सेक्शन। एंड करेक्ट आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी। निडिल मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वेनस ब्लड इज। वेनस ब्लड के लिए जो निडिल इस्तेमाल किया जाता है वो कितने गेज का होना चाहिए? एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी, 22 गेज, मतलब 20 से 22 गेज के होने चाहिए। प्रीफर्ड एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर हीमोग्लोबिन। प्रीफर्ड एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट चॉइस होता है? तो ये होता है आंसर नंबर इज बी, करेक्ट है, एडीटीए का चॉइस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो होता है, ए ऑब्टेन बाय सेंट्रीफ्यूज ऑफ द एंटीकोगुलेंट एडेड ब्लड। ट्राइसोडियम साइट्रेट 3.2% इज यूज विच रेशियो फॉर एस्टिमेशन ऑफ ईएसआर। ईएसआर का जो एस्टिमेशन के लिए जो दिया गया है वो कौन से रेशियो में? तो 1.9 रेशियो पहले था फ्रेंड्स, बट इसका करेक्ट आंसर है 1:4। अगर आपका एक भाग 3.2% जो सोडियम साइट्रेट होता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट, तो 4% जो 4 टाइम्स आपका ब्लड होना चाहिए ईएसआर एस्टिमेशन के लिए। व्हाट इज साइन मेथ मायोग्लोबिन मेथड्स? तो इस मेथड से क्या होता है? तो इसे एचबी एस्टिमेशन किया जाता है। पॉलीसाइथेमिया इज डायग्नोस्ड इन केस ऑफ। पॉलीसाइथेमिया की पहचान किस अवस्था में होती है? तो पॉलीसाइथेमिया जो होता है इसमें पहचान करने के लिए हाई एचबी वैल्यू होता है। एचबी वैल्यू हाई रहता है तब वह पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साली मेथड इज यूज फॉर। साली मेथड किसके लिए किया जाता है? तो वो एच बी एस्टिमेशन के लिए किया जाता है। विच केमिकल यूज इन सेल काउंटर फॉर एच बी एस्टिमेशन? एच बी एस्टिमेशन के लिए जो सेल काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है वह कौन सा होता है? तो होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, SLS।
डब्ल्यूबीसी पीपेट है, डब्ल्यूबीसी पीपेट में होता है। तो इसमें डब्ल्यूबीसी जो पीपेट होता है उसमें क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए वाइट वीड, वाइट वीड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, डंगर्स फ्लूड इज यूज फॉर, किसके लिए किया जाता है। तो डंगर्स जो फ्लूड होता है वह स्नोफिल काउंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू क्लीन द साइड ऑफ द पीपेट, पीपेट नोजल्स कैसे क्लीन करना है। तो बाई वाइपिंग द साइड विथ वेट कॉटन, बी बाई सेकिंग इन एयर, सी कीप इन ड्राई इन्वायरमेंट, डी नॉन ऑफ दिस। एंड जो क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स, इसका आंसर है आंसर नंबर ए बाई व्हिपिंग द साइड ऑफ वेट कॉटन। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखे थे इसका पीडीएफ, जिसका पहला जो वर्ड्स होता है वह एमएलटी कैपिटल में आपको लिखना है फ्रेंड्स। तो एमएलटी कैपिटल में आपको डालना है, ये पहला 3 लेटर है। और अभी मैं और सेकेंड पार्ट भी इसका बताऊंगा नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी पीपेट इज, डब्ल्यूबीसी पीपेट का जो अदर नेम है वह क्या है। तो डब्ल्यूबीसी पीपेट को अदर नाम से जो जाना जाता है वह थोमा पीपेट के नाम से जाना जाता है। सुप्रावाइटल स्टेन इज यूज फॉर, सुप्रावाइटल स्टेन जो याद वर्क किया जाता है वह रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विंट्रो ट्यूब कैन बी यूज फॉर, विंट्रो ट्यूब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ESR, ESR PCB, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। एंड जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ESR और PCB दोनों के लिए किया जाता है। पेयल्स स्टेन इज यूज फॉर, जो प्रुसियन ब्लू स्टेन होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो असेसमेंट ऑफ आयरन स्टोर के लिए। नेक्स्ट, जेम सीडी ट्रिफिने नीडल इज यूज फॉर, एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी, बोथ बोन मैरो बायोप्सी एंड बोन मैरो एस्पिरेशन दोनों में किया जाता है। हैश टेस्ट इज यूज फॉर असेसिंग, हैश टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। एंड करेक्ट आंसर नंबर ए ब्लीडिंग टाइम के लिए। टेस्ट यूज टू मॉनिटर हिपेरिन थेरेपी इज, हिपेरिन थेरेपी के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है वह प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, बोथ, नॉन ऑफ दिस। एंड जो करेक्ट आंसर नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर द मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग का मेथड कौन सा है, स्लाइड मेथड, ट्यूब मेथड, जेल कार्ड मेथड या फिर ऑल ऑफ द एबव। एंड जो क्वेश्चन नंबर 66 है इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स बी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ क्रॉस मैचिंग कंपेबिलिटी टेस्ट इज, एंड करेक्ट आंसर नंबर ए टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट, 1 यूनिट ऑफ ब्लड कंटेंट्स, 1 यूनिट ब्लड में क्या कंटेंट्स होते हैं। तो 350 जो ml होते हैं फ्रेंड्स उसमें 49 रहता है, तो 9 7 63, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर ये इस करेक्ट आएगा, 450 ml ब्लड। तो उसमें जो एंटी कॉगुलेंट है वह 63 ml होंगे, जबकि 350 ml का CPDA बैग आता है जिसमें एंटी कॉगुलेंट की मात्रा 49 ml होते हैं, और उसमें जो जो टोटल ब्लड होता है वह 350 होता है। नेक्स्ट, बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में को माना जाता है। तो बॉम्बे जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसे माना जाता है, तो वह बी ब्लड ग्रुप ओ को बॉम्बे ब्लड ग्रुप माना जाता है। सोडियम बाय मेटा बाई सल्फाइड 2% इज यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है। तो वह होता है सिकलिंग टेस्ट के लिए सोडियम मेटा बाई सल्फेट 2% का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा पीडीएफ है, पीडीएफ के जो
अभी मैंने जस्ट आपको बताया था पहला पार्ट का क्वेश्चंस, मतलब पहला पार्ट जो होता है पासवर्ड का। अब दूसरा पार्ट है ये, तो आपको ये दूसरा पार्ट फिल करना पड़ेगा। पहला पार्ट आप देख चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और बचा हुआ फ्रेंड्स, जिसको मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को अगर स्किप किए नहीं हैं तो आपको ये दोनों जो डिजिट हैं मिल जाएगा, 3 एंड 3 6, एंड 2 वर्ड्स का भी और बाकी है। 2 वर्ड्स को आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब देखेंगे जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सेक्शन नंबर बी, जिसमें आप देखेंगे जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स इसको स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपका और समय एक्स्ट्रा नहीं लूँगा। आप इसको जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो ऑलरेडी इसको पढ़ सकते हैं। और चलिए स्क्रॉल करके क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको मैं इसको ऐसे ही जनरली दिखा देता हूँ। और इसका जो आंसर शीट है फ्रेंड्स, वो नीचे लास्ट में दिया हुआ है आंसर शीट, आप वहाँ से आंसर भी देख सकते हैं अगर चाहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 27, 8, 9 और 30 हो चुका है फ्रेंड्स। अब बारी आती है हमारे जो पासवर्ड्स के, 3 लेटर्स जो होते हैं, सॉरी 3 वर्ड्स जो होते हैं, थर्ड वर्ड जो है ये है 20। तो फ्रेंड्स आपको जो तीनों वर्ड्स मिले थे तो वो तीनों को एक साथ कैपिटल लेटर पे लिख के और पासवर्ड को ओपन कर लेना है अपने पीडीएफ को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।